नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन के नेतृत्व में मुफ्ती असद कासमी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने बताया कि मुफ्ती साहब और उनके साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनके आने से समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, जिस सपने को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 2022 में अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का सपना हम समाजवादियों का सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सभी के सहयोग से हम लोग सफल होंगे और 2022 में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेताओं से पूरी तरह से तंग आ चुकी है। देखिए, इस वक्त में आप प्रदेश की हालत जानते हैं कि प्रदेश में जो गुंडागर्दी और गुंडा राज चल रहा है, उसको देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की आवाज़ है। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार का इतिहास आप उठाकर देखेंगे, समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो प्रशंसा के काबिल हैं। इसी को देखते हुए आज हमने मजाहिर हसन राणा जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष जी चौधरी रुद्रसेन जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इसीलिए कि हम 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और हम अपने तन मन धन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देवन मजे खानका के अंदर से को खानका के अंदर मुनार भाई कासमी जी और इनके साथी जो है ये मुक्ति मोर्चे को छोड़ करके जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं समाजवादी पार्टी में इन सबका जो है स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके आने से जो है समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और जिस सपने को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का सपना हम समाजवादियों का सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद करता हूँ कि उसमें सभी के सहयोग से हम लोग जो है सफल होंगे और 2022 में जो है माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यही हम समाजवादियों की इच्छा है और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो है वो पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। जिस तरीके का झूठ जो है ये लोग बोलते हैं और खास करके जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के उस पद पर आसीन है और सरासर झूठ बोलने का काम वो लोग करते हैं, अब जनता पहचान चुकी है इस चीज को। हम लोग 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और जनता की जो आवाज आ रही है उससे स्पष्ट है, ये संकेत है स्पष्ट कि 2022 में जो भाजपा जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है।